Assalamualaikum everyone, so welcome back to Brosis Reactions. और आज हम देखने वाले हैं रूपोश का टीजर वन जो आने वाला है बहुत जल्द जियो एंटरटेनमेंट पर और जिसमें हैं हारून कदवानी और किंसा हाशमी। इससे पहले हम इस नाटक का इस सीरियल का फर्स्ट लुक देख चुके हैं और इसको देखने के बाद ये बात साफ हो गई थी जो इसमें लीड में है मेल में उनका पूरा कैरेक्टर मतलब कबीर सिंह की तरह लग रहा था, जस्टिफाइड था कि भाई इन्होंने ऐसा है कि गुस्से वाला कैरेक्टर एक होता है ना एंग्री यंग मैन, बिल्कुल वैसे ही वो बने हुए थे। और जो उसका सॉन्ग था जो हमें सुनने के लिए मिला था, अभी फिलहाल तो उसका ओएसटी रिलीज नहीं हुआ है पर जो दो लाइंस हमें सुनने के लिए मिली थी वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी तो मज़ा आ रहा था उसको सुनने में भी। आई होप जल्दी से इसका ओएसटी भी आए और हम उस पर भी रिएक्शन करें, वो भी सुने, बहुत मज़े का होगा। सो देखते हैं इसका फर्स्ट टीजर, सो लेट्स बिगिन। रूहदारे तेरे मेरे जो हमने कही रब ने मानी, कहने लगे खामोशी जो हमने सुनी रब ने मानी। बिल्कुल वही लग रहा है कबीर सिंह। मोहब्बत में मंजिलें बहुत सुनहरी लगती हैं, किसी से मोहब्बत मत कर बैठना। सुनी सब मेरी है, तूने अगर उसको हाथ लगाया तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। तुम उससे जाके कहोगे यहाँ से चला जाए। मुझे वो लाकर दे दे जो मुझसे छिन चुका है, जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। मोहब्बत रास नहीं आई मुझे। Coming soon. बहुत कभी कभी ना इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा हार्म कर जाता है रिलेशनशिप को भी और उस पर्सन को भी जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वही चीज़ इसके अंदर सेम दिखाई गई है कि इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है कि वो बोल रहा है कि उसको अगर किसी ने टच भी किया तो वो उसको मार देगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है ये। और साथ में वो भी बोल रही है कि मुझे ये मोहब्बत रास नहीं आई है और जाहिर सी बात है ये टीज़र देखने के बाद ही पता चल रहा है कि वो इतना ज़्यादा उसको लेकर पजेसिव है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि अगर उसको कुछ हो भी जाता सुई भी चुभ जाती है तो सुई से लड़ने को तैयार है। हाँ, ऐसा दिखाया है इतना ज्यादा। सेम वही थोड़ा बहुत सिमिलर सा मुझे ऐसा लगा जैसे कबीर उसने बोला। हमने जैसे कबीर सिंह देखी उसमें भी सेम कैरेक्टर ही दिखाया गया है ऑलमोस्ट कि अगर लड़की के साथ कुछ हो जाता है कोई भी बात हो जाती है तो वो एकदम ऐसा साइको हो जाते हैं कि आप उनको समझ नहीं पाओगे कि अचानक हुआ क्या। हाँ बट मुझे क्योंकि ये ड्रामा है तो इसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखाया जाएगा और फिर इसमें काफी जगह पे हमने देखा भी कि लड़का कुछ जगहों पे झुका भी है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके अंदर गुस्सा ही है, गुस्सा है, जज्बा है, जोश है, सारी चीजें हैं लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी मौजूद है। बिल्कुल, और वो भी एक ऐसे पर्सन के लिए जिसे वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है इस दुनिया से और यहाँ की जो बुराइयां हैं उनसे, तो सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया जाएगा, दोनों रोल दिखाए जाएंगे, अच्छाई भी दिखाई जाएगी बुराई भी। और ट्रेलर जो था इसका ये फर्स्ट टीजर था मतलब बहुत ही ज्यादा लाउड था, स्टार्टिंग जो हुई है ना इसकी एक स्लो मोमेंट से हुई लेकिन जो बीच बीच में जो बीट्स आई हैं और जो म्यूजिक लाउडनेस और डायलॉग्स इतने खतरनाक आए हैं कि सुन करके ऐसा लगा था ना कि बस मूवी ऐसा लग रहा था जैसे हम मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं, कोई वॉर मूवी टाइप आने वाली है उसका ट्रेलर देख रहे हैं। हाँ। लड़ाई चल रही है लेकिन लड़ाई नहीं है एग्जैक्टली ये, हाँ ये एक वॉर कह सकते हैं लेकिन वॉर है आपके अपने जो आप जिसको चाहते हैं पार्टनर के लिए उसको बचाने के लिए एक तरीके से वॉर कहला सकते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि इसमें ये ऐसे भी सीन्स दिखाए जाएंगे जिसमें लड़ाई धड़ाई जो मारपीट ये भी होने वाली है, जो कॉलेज की लड़ाइयां होती हैं और सारी चीजें होती हैं वो भी इसमें डेफिनेटली होने वाली है, वो सीन भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत रोमांस और वो लव स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी और भी बहुत सारी काफी सारी चीजें जो घर की कहानियां होती हैं जो माँ बाप एक अगेंस्ट हो जाते हैं, जो इनकी माँ ने एक डायलॉग भी कहा कि मंजिल नहीं होती इन चीजों की, करके मत बैठ जाना प्यार वगैरह सब कुछ, तो वो भी देखना पड़ेगा कि उनकी क्या इसमें साजिशें रहती हैं या कुछ करती हैं क्या नहीं करती हैं, सारी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ तो इसका फर्स्ट टीज़र आया है, जल्दी से इसका सेकंड टीज़र भी आए और हम उस पर भी रिएक्ट करें। सेकंड टीज़र में मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत
चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा मोस्टली होता है कि जो हम फर्स्ट टीजर में देखते हैं ड्रामास के, सेकंड टीजर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि हमने कुछ और ही देख लिया है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को हमारा रिएक्शन पसंद आया हो। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।